कुछ दिनों पहले चंद्रपुर महानगर के कुछ ही दूरी पर स्थित दुर्गापुर ऊर्जा नगर क्षेत्र में बाघ तेंदुए का आतंक जारी था और इन जंगली जानवरों के हमले में कुछ लोगों की जान भी गई और वही वन विभाग द्वारा इस परिसर में इन जंगली जानवरों से बचाव हेतु किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं देखते इस खबर में। दुर्गापुर ऊर्जा नगर नेरी इस परिसर में कुछ दिनों पहले बाघ तेंदुए के हमलों में अनेक नागरिकों की दुखद मौत हुई तथा कुछ नागरिक जख्मी हुए और इस परिसर में हर तरफ दहशत का वातावरण बना हुआ था और इस हमले को लेकर नागरिकों ने आंदोलन भी किया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहीं वन विभाग की ओर से बाघ और तेंदुए जैसे जंगली हिंसक प्राणियों से नागरिकों का बचाव करने के लिए लगभग 15 फुट के आसपास ऊंची जाली लगाई जा रही है। इसके अलावा वन विभाग की ओर से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, तो सुनिए इसके संबंध में वन विभाग के आरएफओ राहुल कारेकर ने क्या जानकारी दी। 5-6 महिन्यापासून दुर्गापुर परिसरातील वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 3 तसेच डब्ल्यूसेल एरियात मानव वन्यजीव संघर्षाच्या घटना घडत होत्या, त्यामुळे तेथील नागरिकांत रोष तयार झालेला होता आणि यावर उपाययोजना म्हणून वन विभागातर्फे तेथील झाडेझुडपेंची साफसफाई करण्यात आली, तसेच डब्ल्यूसेल मार्फतसुद्धा झाडेझुडपे साफ करण्यात आले आणि वन विभागातर्फे एक नवीन प्रयोग म्हणून ब्रेंडेड नेट जी जाळी आहे ती 15 फूट उंच आहे आणि जवळपास 1 किलोमीटरपर्यंत आम्ही ती जाळी लावणार आहे आणि ती लावलेली आहे, आता सध्या काम सुरू आहे आणि त्यामुळे मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी फार मदत होणार आहे। तरी पण तेथील लोकांनी दक्ष राहावे, जागरूक राहावे व इतरत्र रात्री इतरत्र फिरू नये असं मी त्यांना आवाहन करतो। सिटी व्हिलेज हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव व्यारकर।